Hello friends and welcome back. You are watching my channel Let's Get Planted. दोस्तों आज आप जो प्लांट देख रहे हैं वो उन्हीं प्लांट्स के ऊपर मैं आज अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप छोटे से पॉट्स में लगाकर अपने घर को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं और इस साथ ही साथ इन प्लांट्स के थ्रू आप अपने घर के एटमोसफेयर को जो आपके घर के एयर है उसको आप साफ सुथरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ प्लांट्स की लिस्ट लेकर आया हूँ और उन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करूँगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और बात करते हैं अपने प्लांट्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें जो कोई भी मैं अपनी वीडियो अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं अपने प्लांट्स की तरफ। तो दोस्तों आज हमारा जो पहला प्लांट है वो ये एगेसो प्लांट है जिसको मैंने बहुत छोटे से पॉट में इस प्लास्टिक के पॉट में लगाया है और इसकी कोई केयर ज़्यादा हार्ड केयर नहीं है। इसको आप कैसे भी सॉइल में लगा सकते हैं और किसी भी एनवायरनमेंट पे इसको रख सकते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं प्लांट वो कितना छोटा सा प्लांट है और वो छोटे सा प्लांट और छोटे से पॉट में कितना खूबसूरत से ग्रो कर रहा है। इसमें एक न्यू लीफ भी आप देख रहे होंगे कि आ रही है, तो ये बहुत ही शाइनी प्लांट है और बहुत ही एयर प्योरीफायर प्लांट है। इसको आप अपने घर में ज़रूर जगा दें। और चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्लांट की ओर। तो मेरा जो दूसरा प्लांट है वो ये सेंसिवेरिया प्लांट है। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं और ये मैंने छोटे से कप प्लांटर में लगा रखा है। दोस्तों ये मैंने एक जो पॉट आप देख रहे हैं ये मैंने बंजारा मार्केट से ख़रीदा था। गुड़गांव की जो बंजारा मार्केट है वहाँ से मैंने इस प्लांटर को मैंने ख़रीदा था और ये काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं सी प्लांट्स के लिए इसको ख़रीद लेता हूँ और इसमें मैं अपने बेबी प्लांट्स लगा लूँगा। तो एक जो सेंसिवेरिया है वो मैंने इसमें एक बेबी का प्लांट लगा दिया। उसके बाद देखिए आप इसमें कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ स्टार्ट हुई है। इसमें एक यहाँ से भी एक नया प्लांट तैयार हो रहा है और देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट भी है। तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर जगा दें। तो और जो मेरा थर्ड प्लांट है वो स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को हम सब भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही शाइनी लीव्स होती हैं और इसीलिए हम ऐसे प्लांट्स को यूज़ करते हैं। और इसमें कोई फूल वगैरह तो क्या लगते नहीं है, इसमें खाली रनर्स निकलते हैं इस प्लांट में और वही हम उनसे उनको प्रोपगेट कर सकते हैं। मैंने तो खैर ये छोटे से प्लास्टिक की बॉटल में इसको लगा रखा है और ये भी एक मैंने रनर ही था जो कि मैंने अपने इस प्लांट में लगा रखा है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एयर प्योरीफायर प्लांट है, आप इसको भी अपने घर में ज़रूर जगा दें। अब जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है वो मेरा प्लांट ये एलोवेरा है। दोस्तों एलोवेरा काफ़ी खूबसूरत प्लांट तो है ही, बेस्ट इंडोर प्लांट भी है और ये दवाइयों वगैरह में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और साथ ही हमारे लिए मेडिसिनल का काम भी करता है। लेडीज़ वगैरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं मॉइस्चराइज़र या क्रीम वगैरह तो उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है जो कि मैंने एक इस चांदी के पॉट में मैंने इसको लगा रखा है। आप दोस्तों देख रहे होंगे तो मेरा ये काफ़ी छोटा सा पॉट है जो कि चांदी का है। मैंने इसको घर में मैंने ऐसे पला था तो मैंने सोचा चलो इसमें एक एलोवेरा लगा देता हूँ और ये प्लांटर भी बन जाएगा और मेरा इसका एक यूज़ भी हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इसको इसमें लगा दिया। एलोवेरा को आप लोग बेस्ट इंडोर प्लांट में रखें और इस पर ज़्यादा धूप का प्रभाव ना डालें क्योंकि धूप की वजह से ये इसकी जो लीव्स हैं वो बंद हो जाती हैं और ख़राब भी हो जाता है प्लांट। मेरा काफ़ी प्लांट जो ख़राब हो गया था तो मैंने खैर अभी इसको इस छोटे से पॉट में लगा रखा है
और दोस्तों ये एक मेरा मदर प्लांट से उसका बेबी निकला था, तो मैंने इसको इसमें लगा कर ग्रो कर लिया, तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। देखिए आप कितनी इसकी लेंथ बढ़ रही है छोटे सपोर्ट में। नेक्स्ट माय प्लांट इज फोथोल और मनी प्लांट। दोस्तों ये हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसकी आकर्षित लीव हम सबको अपने ओर आकर्षित करती हैं, तो दोस्तों इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये भी एक बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है, और ऐसे प्लांट्स मैं अपने घर में ज़रूर लगाता हूँ जिनसे मुझे काफ़ी एडवांटेज मिले और साथ ही मेरे घर को ग्रीनरी भी मिले। तो दोस्तों जो आप ये पॉट देख रहे हैं ये कोई मेरा ख़रीदा पॉट नहीं है, इसको मैंने नहीं मेरे फादर सऊदी अरब गए थे तो वहाँ पर उन्होंने खाने पीने के लिए कोई मग वगैरह ख़रीदा था, तो ये मग वही है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा काबा शरीफ का एक पिक्चर इसमें बना है, और यहाँ पर कुछ अरबी में लिखा है जो कि मुझे पता नहीं क्या लिखा है, बट तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने सोचा चलो इसको एक याददाश्त के तौर पर मैं इसको अपने पास रखूँगा, तो मैंने इसमें एक मनी प्लांट की कटिंग्स लगा दी और इसमें मैंने इसको एज अ प्लांटर यूज़ किया। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप भी अपने घर में इसको ज़रूर जगा दें। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट प्लांट दैट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ टंग और सेंसिवेरिया और स्नेक प्लांट। दोस्तों ये भी हमारा बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है, इसको भी नासा के अकॉर्डिंग रिसर्च किया गया था, तो ये आप अपने घर में अगर इसको लगाते हैं तो आपकी एयर बहुत ज़्यादा साफ होती है। तो ये भी मैंने एज अ कटिंग इसको यूज़ किया है जो कि मेरे एक छोटे से सेरेमिक पॉट में आप देख रहे हैं लगा है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसका एक व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इसको अगर आप लगाते हैं ऐसे प्लांट्स को। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ इसकी बताता हूँ, मैंने ऐसा पॉट क्यों यूज़ किया, मैं चाहता था कि मैं अपने स्नेक प्लांट के लिए एक वाइट पॉट यूज़ करूँ। दोस्तों वाइट पॉट इसलिए क्योंकि वाइट एक डिसेंट कलर है जो कि आप अपने घर में अगर लगाते हैं और इसमें कोई भी प्लांट लगा देते हैं तो आपको प्लांट का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए मैंने इस प्लांट का यूज़ किया। और ये प्लांट आप देख रहे हैं ये भी मैंने बंजारा मार्केट से गुगाम के जो बंजारा मार्केट है वहाँ से ख़रीदा है, और ये मुझे 80 रुपये का मिला था, तो इसमें मैंने ये अपना मदर ऑफ टंग का प्लांट लगा दिया, और उसका मैंने एक जो बेबी निकल रहा था वो मैंने इसमें लगा दिया, तो माशाल्लाह अभी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों अभी ऐसे अपने प्लांट्स को लगाएं, और अब मैं अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लांट के बारे में बात करूंगा जो कि सिंघोनियम है। दोस्तों सिंघोनियम भी एयर प्योरीफायर प्लांट है, इसको भी आप अपने घर में ज़रूर जगा दें, और छोटे छोटे से इसके रन जो निकलते हैं इसको आप एज अ कटिंग यूज़ कर सकते हैं, इसकी कटिंग्स भी लग जाती हैं और इसके बेबीज जो निकलते हैं छोटे छोटे नीचे से वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने भी दोस्तों इसी पॉट में ये आप देख रहे हैं ना ये मैंने कटिंग लगा रखी है, और ये काफ़ी खूबसूरत से ग्रो कर रही है। तो ये प्लांट आप जो देख रहे हैं ये भी मैंने अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदा है, और ये मैंने 6 पॉट खरीदे थे तो ये 6 पॉट मुझे 150 रुपये के मिले हैं, तो मैंने इसीलिए छोटे छोटे प्लांट्स के लिए मैंने ये अपने प्लांटर्स को लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं, इनको अपने घर में लगाते हैं तो आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, और काफ़ी आपकी जो घर की एयर है वो भी प्योर होती रहती है। तो अगर दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, और फिर मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।